नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ राजेश तिवारी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हाजिर हैं कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रतिदिन आप एक नए मेहमान से मिलते हैं, तो आज आपको हर प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं जो 51 शक्ति पीठों में पूरे विश्व में विख्यात, भारत के मानचित्र में मध्य में बसने वाली माँ विंध्यवासिनी के दरबार में शक्ति पीठ की जो प्रबंधक हैं मेरे साथ हैं, पूरे भक्तों की ओर से, भोजपुर वासियों की ओर से धर्मदत्त पाठक जी को विशेष बधाई शुभकामना कि आपने भोजपुर दर्शन को समय दिया। कोरोना काल का महामारी वैश्वीकरण में इस समय भक्त काफी परेशान हैं, क्योंकि माँ के दरबार में ताले बंद थे, कई महीनों तक पूजा आराधना सही तरीके से भक्त नहीं कर पाए, माँ का दर्शन नहीं कर पाए। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? कोरोना काल विश्वव्यापी बीमारी में सभी लोग परेशान थे, और जब से कोरोना काल के दौरान जो भी घटनाएं या जो भी सबके सामने आ रही थी बातें, लोगों में एक भय व्याप्त था, माने इस तरह का कभी हुआ नहीं था। जब कोई समस्या आती थी तो लोग माँ के दरबार में, भगवान के दरबार में, ऐसी जगहों पर जाते थे, लेकिन जब माँ का ही दरबार बंद है तो लोगों के द्वारा ये सोचा जाने लगा कि अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कोई आसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और एक हफ्ता एक दिन बहुत रहता है, ये तो 6 महीना और 8 महीना का चलता चला गया। तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार से काशी और प्रयाग के मध्य में माँ विंध्यवासिनी का ये मंदिर है, विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड बोलिए, तो माँ भगवती के दरबार में जहाँ तंत्र मंत्र यंत्र तीनों की साधना होती है, यहाँ तीनों के उपासक आते हैं, यहाँ पर भी किसी का दर्शन माने देवी देवता का तो छोड़िए, जानवर भी सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ते थे, इस तरह की यहाँ की स्थितियाँ हो गई थी। और लोगों में तरह तरह की भावनाएं जागृत हो रही थी कि बताइए मनुष्य के लिए ही बस कोरोना है, हे माँ हे भगवती। इसी तरह से लोग जो दिखाई भी पड़ते थे उनके समझ के बाहर की ये बात थी। आज तक हमें लगता है कि ये रहस्य ही है और ये रहस्य ही रहेगा, क्योंकि कोरोना मानव के समानांतर बंदर भी होते हैं। विंध्याचल में कम से कम हजारों बंदर हैं, किसी बंदर को कोरोना नहीं हुआ। तो कोरोना से भय नहीं लोगों में था, भय ये था कि एक दिन अगर आदमी मजदूरी नहीं करता है तो उसके लिए दूसरे दिन की चिंता होती है कि हमारा परिवार क्या खाएगा। और जहाँ 8 महीना बंद हो गया उसमें तो कोरोना से बढ़ के लोगों में ये भावनाएं जागृत होने लगी कि भैया अब हम आज तो कर्जा लेके खा लिए, आने वाले समय में हम क्या खाएंगे। ऐसे करते 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 लोग जा करके भी विंध्यवासिनी माँ के दरबार में या देवी देवता के दरबार में नहीं जा सके। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। किसी प्रकार से पहली बार जब से लॉकडाउन हुआ है, पिछले नवरात्र में तो कर्फ्यू जैसा नजारा यहाँ का था, लेकिन इस नवरात्र में जरा सा लोगों को अनुमति मिला कि नहीं भैया दर्शन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग में कीजिए और अपना स्वच्छता के साथ रहिए, ये मौका पाते ही भक्तों का यहाँ तांता लग गया। माँ के बिना बच्चों का जो हाल होता है तो आप समझ लीजिए कि इस नवरात्र में निहाल हो गए अपने माँ को सब पाते। और आज हम ये देख रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ के नगरी में जब से वहाँ काशी की महिमा, तो वहाँ की गलियों में लोग जो प्रसाद और तमाम प्रकार की जैसे विश्व की माने विश्व महादेव जो है, ये इनका नाम क्या है, विश्वनाथ। तो बाबा विश्वनाथ के गलियों में पूरे विश्व के लोग आके वहाँ खरीदारी पूजन अर्चन माने इस संदर्भ में जितना भी चीज होता है
वो विश्वनाथ जी की गलियों का विश्व में इसी विश्वनाथ गलियों से ही बनारस प्रसिद्ध है। और आज आप भगवान का दर्शन तो कराने की व्यवस्था बहुत अच्छी सोचे हैं कि क्या किए हैं, अभी सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि आज हम लोग काशी के होते हुए भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए एकदम समझ लीजिए बेचैन है। और जिस तरह से पहले हम आस्था लेके जाते थे, आज हमारे धर्म में भी राजनीति प्रवेश कर गई है, जिसका देख रेख हमारे नेतृत्व क्षमता जो है कमजोर पड़ गई है। धर्म में राजनीति प्रवेश करना यह सही नहीं है, यह कहना है धर्म दत्त पाठक जी का, जो शक्ति पीठ के प्रबंधक विंध्याचल माँ के दरबार में है। लेकिन बात आती है कि विंध्य और बिहार का संबंध बहुत ही गहरा है, उस संबंध को कैसे आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? विंध्य बिहार का तो अनादिकाल से संबंध है। बिहार के सभी लोग जितने भी आते हैं, जिस आस्था से यहाँ माँ का दर्शन करते हैं, जिस वस्त्र को पहन के आते हैं, वो सीधे गंगा जी जाते हैं, माँ गंगा। चूंकि ये काशी और प्रयाग के मध्य में माँ विंध्यवासिनी वास करती हैं, और एक तरफ विंध्य पर्वत है, दक्षिण दिशा में विंध्य पर्वत, उत्तर दिशा में माँ गंगा, पूरब दिशा में बाबा विश्वनाथ काशी, पश्चिम दिशा में आपका प्रयागराज। तो ये चारों के बीच में माँ विंध्यवासिनी वास करती हैं। कहा गया है कि विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्य ब्रह्मांड बोलते हैं। तो इस माँ के दरबार में बिहार के हम आज तक इतने बड़े, हमारा जो भी उम्र हुआ या जितना अनुभव हुआ, हम आज तक बचपन से तो यही देखते आए हैं कि माँ विंध्यवासिनी के नगरी में बिहार के लोग जितना आते हैं, वहाँ यहाँ पर कोई उतना नहीं आता है। चूंकि यहाँ के आस्थावान जो हैं विंध्य क्षेत्र के प्रति, इन लोग आते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ अपने तीर्थ पुरोहित के घर, चूंकि पहले तीर्थ पुरोहितों का ही आश्रय के लोगों के लिए था, आज गेस्ट हाउस वगैरह प्रतिस्पर्धा में अधिक सुविधा भोगी दुनिया हो गई है। तो इसमें भी आज हमारे दर्शनार्थी विंध्या वहाँ आते हैं बिहार के लोग, तो तीर्थ पुरोहित के आ रहे हैं या लाज गेस्ट हाउस, जहाँ भी विंध्याचल में आने पर वो सीधे गंगा जी जाते हैं, और कोई वेशभूषा नहीं रखते, सिर्फ चुनरी यहाँ माँ का प्रसाद पहन के, लाल चुनरी जिसका यहाँ महत्व है, माँ का दर्शन करते हैं। और इस आस्था के साथ जब दर्शन कर लेते हैं, तो ये त्रिकोण का स्थल जो है, यहाँ एक तंत्र मंत्र यंत्र, विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ तीनों की साधना साधक उपासक करते हैं। तंत्र के लिए तांत्रिकों का जमघट लगता है रामगया घाट, जो माँ विंध्यवासिनी के पश्चिम दिशा में पड़ता है। मंत्र के लिए माँ विंध्यवासिनी के यहाँ आप देखते ही हैं कि गुंजायमान रहता है मंत्रों द्वारा, पंडितों के द्वारा, और यही सबसे बड़ा इलाज है हमारे विश्व की जितनी भी लाइलाज बीमारी है, मंत्रों में बहुत बड़ा रहस्य है हमारे कल्याण के लिए, समाज के कल्याण, मानव मात्र के कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए, हर प्राणी। कहा गया है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो इस जगह से लोकल कल्याण की कामना नहीं, विश्व की कल्याण। कोई भी यज्ञ करता है, छोटा भी यज्ञ करता है, तो यही कहता है धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, यह कहना है धर्म दत्त पाठक जी का, जो माँ विंध्यवासिनी के दरबार में शक्ति पीठ का एक संचालन करते हैं। और इन्होंने बताया कि विंध्य और बिहार का संबंध क्या है, बिहार और विंध्य का गहरा संबंध है,
काफी प्राचीन से संबंध है और विंध्य क्षेत्र वही है जहाँ यंत्र तंत्र और मंत्र तीनों की साधना होती है जो विश्व के लिए अति आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि धर्मदत्त पाठक जी की बातों को आपको पसंद आई होगी। अगर आपके दिल में किसी प्रकार की कोई बात हो तो कृपया आप धर्मदत्त पाठक जी से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन पुनः एक बार भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से, भोजपुर वासियों की ओर से, सभी भक्तों की ओर से, क्योंकि आप तीर्थ पुरोहित भी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। एक शब्द हम और कहना चाहेंगे कि यहाँ विंध्य क्षेत्र में धर्म के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप त्रिकोण जब करते हैं तो नैसर्गिक ऊर्जा का जो अनवरत प्रवाह होता है वो आप ग्रहण करते हैं और उससे आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। लीवर के किसी भी बीमारी का, हार्ट के बीमारी का, कैंसर की बीमारी का, यहाँ पर जो जल है, वायु है, इसी मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है। बंगाल के लोग कार्तिक मास में यहाँ एक एक महीना के रहते हैं, क्योंकि वहाँ का प्रॉब्लम सबसे बड़ा पानी की समस्या है, तो पानी खराब होने के कारण वहाँ पर पेट लोगों का डाइजेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो जिन लोगों का डाइजेशन गड़बड़ होता है तो विंध्या चला के एक महीना रहते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ होके चले जाते हैं बंगालियों के द्वारा। माने विज्ञान में भी आके देखिए, धर्म के बाद माँ के यहाँ दर्शन लोग करते हैं तो सीधे पहाड़ चले जाते हैं नैसर्गिक ऊर्जा का अर्जन करने के लिए। बाटी चोखा भोजन के साथ आप समझ लीजिए कि वो क्या चीज लेके गए, उनको खुद पता नहीं। यानी अध्यात्म और विज्ञान दोनों का संबंध या विंध्य क्षेत्र रखता है और इसीलिए विंध्य और बिहार का विशेष संबंध प्राचीन काल से बना आ रहा है। और माँ अपने सभी भक्तों का कल्याण करे, उनके प्रगति करे, उन्हें निरोग रखे, इसी कामना के साथ धर्मदत्त पाठक जी को पुनः एक बार बधाई शुभकामना। जय माता की।